मैं चैप्टर बता रहा था कि चैप्टर में है क्या क्या, थ्री डायमेंशन। ठीक है, अभी ये लाइन से स्टार्ट करूंगा मैं। ओके, और दूसरी चीज, रिकॉर्डिंग्स जो भी हो रही है ना, दैट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, Z12 NCERT लेक्चर्स करके आपको यूट्यूब पे, जील पे मिल जाएगा, Z12 NCERT लेक्चर्स। उसके बाद फिर रेस्पेक्टिव टीचर्स के नाम होंगे, लाइक मेरे लिए GS सर लिखा होगा शायद से, अर्शद सर के लिए ACH लिखा होगा, इस तरह से आप देख लेना। तो रिकॉर्डिंग सारे अवेलेबल, कुछ रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं। तो जो भी आप लोगों को डाउट रहता है ना कि सर रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं क्या, तो NCERT लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही है यूट्यूब पे। ओके, तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में द फर्स्ट टॉपिक इज लाइन, मतलब द फर्स्ट सेक्शन इज लाइन। अब अगर थ्री डायमेंशनल लाइन की बात करेंगे तो दैट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम टू डायमेंशनल लाइन। लाइन तो एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे मान के चलो कि आपकी अपर वाली वॉल से, मतलब जो आपका रूफ है, रूफ वाली वॉल से एक लाइन पास हो रही है एंड टू एंड, मतलब डायगनली। ठीक है, एंड सेकेंड लाइन इज पासिंग थ्रू, मतलब जिस एंड से जिस एंड तक आपने वॉल लाइन का मार्जिन किया है, तो जो एंड नहीं ज्वाइन किया वो वाली वॉल लो एक बार। ठीक है, मतलब आप फ्लोर ले लो अपना, नहीं फ्लोर नहीं लो, आप अपना कोई भी एक वॉल लो और वॉल पे ऑपोजिट एंड टू एंड एक लाइन बनाओ। इमेजिन करो लाइक आपने सामने वाली वॉल पे एक आपने रूफ इमेजिन किया। एक सेकेंड रुको, बता रहा लेट्स से आपकी सामने वाली वॉल थी एंड ये आपका रूफ है। ठीक है, रूफ पे आपने लेट्स से ये वाली लाइन इमेजिन की सामने वाली वॉल पे। इमेजिन दिस लाइन सामने वाली वॉल पे, दूसरे एंड से, इस सेम एंड से नहीं। ओके, नाउ दीज टू लाइन्स आप देख रहे हो, एक ऊपर वाले, अब अपने कमरे को ही देखो, सामने वाले फिगर को मत देखो, रूम को ही देखो। आप देख पा रहे होगे कि एक जो लाइन है वो ऊपर वाले प्लेन में है, दैट इज एंटायरली इन डिफरेंट प्लेन। सेकेंड वाली जो लाइन है वो आपके सामने वाली वॉल वाली प्लेन में है, दैट इज अगेन इन अ डिफरेंट प्लेन। क्या ये दो लाइंस कभी मीट होंगी? अगर इफ आई विल एक्सटेंड दीज टू लाइन्स टिल इन्फिनिटी, विल दीज टू लाइन्स will these two lines ever meet? नहीं, कभी नहीं मिलेगी। कभी नहीं मिलेगी, तो इस तरह की लाइंस को, क्योंकि ये कभी नहीं मिलेंगी, और ये लाइंस पैरेलल हैं क्या? आर दीज लाइंस पैरेलल? पैरेलल भी नहीं है, तो दीज टू लाइंस आर नाइदर पैरेलल, ना ही कभी मिल रही हैं। 2D में ऐसा नहीं होता था, 2D में अगर नहीं पैरेलल, पैरेलल लाइंस नहीं होती थी तो कहीं ना कहीं तक आके मिलती थी, किसी ना किसी पॉइंट पर जाके मिलती थी। तो ऐसी लाइंस को जो पैरेलल भी नहीं होती है, नॉन पैरेलल होती हैं और कभी मीट भी नहीं करती हैं, हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस आगे अभी इस चीज पे थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। पैरेलल लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल लाइंस आपको पता है कि सेम क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेन्स में पास कर रही होंगी, सेम उसमें सेम एंगल्स पे। जैसे आपकी सामने वाली वॉल और आपके बैक साइड वाली वॉल पे दो पैरेलल प्लेन्स हो गए, उस पर अगर कोई लाइंस पास कर रही हैं तो हम उनको पैरेलल लाइंस बोल, मतलब ऑब्वियसली एक सर्ट सेम एंगल पे, तो हम उनको पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं। और नॉन पैरेलल भी आपको समझ में आता है, कुछ लाइंस नॉन पैरेलल का मतलब हो गया कि वही किसी एंगल पे बना लो, लाइक सामने वाली वॉल पे एक लाइन है, पीछे वाली वॉल पे एक लाइन है, एंड उनको किसी एंगल पे टिल्ट कर दो तो नॉन पैरेलल हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज भी पता, मतलब बता रखा है ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ। फर्स्ट स्लाइड ये थी, सुमित सॉरी कार्तिक है, नहीं ललित ने पूछा था, सॉरी। फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है, लाइन और प्लेन में। लाइन्स अभी स्टार्ट किया है और लाइन्स में मैंने बस स्क्यू लाइन्स बताया है। जो अब प्री रिक्विजिट है वो मैं एक बार वापस से ब्रीफ कर रहा हूँ इस चैप्टर के लिए। एक होता है डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो आप लोगों को पता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है, वेक्टर का लेट्स से कोई भी एक पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, पोजीशन वेक्टर OA वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर से मतलब मान लो एक्स वाई और जेड इसके कोऑर्डिनेट्स से। तो एक्स वाई और जेड, जब आप ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे तो आप लिखोगे ना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस
जेड के, ये होते हैं डायरेक्शन एक्स वाई और जेड जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। वेयरएज इन डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, हर एक्सिस हर इंडिविजुअल एक्सिस से आपका जो एंगल फॉर्म हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। लाइक अगर ए का प्रोजेक्शन निकालोगे इस एक्स एक्सिस पे तो दिस विल बी एक्स अपॉन रूट ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा वन, ठीक है, या एल से डिनोट करते हैं। ये बताया हुआ है सिमिलरली एम और सिमिलरली एन, और आपको ये भी बताया हुआ है कि एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन होता है। इसका स्क्वायर करो फिर एम लिखो वाई अपॉन करके, फिर जेड लिखो एन लिखो जेड अपॉन करके स्क्वायर कर लो तो नीचे वाला रूट हट जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर, फिर ऐड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कैंसिल आउट होकर के वन आ जाएगा। तो ये एल जो होता है इसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, और ये जो एक्स और वाई और जेड आते हैं यहाँ पे जो न्यूमरेटर में आता है इसको हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ये सभी बताया हुआ है आपको वेक्टर्स में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, मतलब अब स्क्यू लाइन समझ में आ गया आप लोगों को और डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो बता दिया, चैप्टर वो स्टार्ट करते हैं। नाउ द एंगल बिटवीन रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, बताओ नहीं डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। मतलब एक पॉइंट के लिए तो आपने बता दिया कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा कैसे होगा, अब अगर दो पॉइंट्स का डायरेक्शन कोसाइन निकाल, मतलब मेरे पास दो पॉइंट गिवन होंगे तो उनका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। तो लेट्स से आई हैव एनी टू पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, ठीक है। तो देखो थ्री डायमेंशन है तो थोड़ा थ्री डायमेंशन की तरह से ही सोचना। जैसे मान लो मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट्स हैं X1, Y1 और Z1, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं X2, Y2 एंड Z2। अब इनके बीच में डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस बिटवीन देम दीज टू। देखो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या हो जाता है, बेसिक सा सिग्निफिकेंस ध्यान में रख करके चलते रहोगे तो मतलब बेसिक सी जो बेसिक वाली चीज़ होती है उसको ध्यान में रखते हुए चलते रहोगे तो कभी गलत नहीं होगा। देखो अगर मैं पी क्यू लाइन निकाल लूँ, मतलब पी क्यू वैक्टर निकाल लूँ, जैसे यहाँ पे क्या था कि ओ ए वैक्टर था तो ए वैक्टर हो जा रहा था बेसिकली, क्योंकि ये ओरिजिन पे था, जीरो कॉमा जीरो पे था, जीरो पे था तो आपका डायरेक्शन कोसाइन ऐसा जा रहा था। अगर आप PQ के लिए निकालोगे तो PQ वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको पहले, तो PQ वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा X2 माइनस X1, I कैप प्लस Y2 माइनस Y1, J कैप प्लस Z2 माइनस Z1, K कैप, ये तो होता है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन मेरे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन, अच्छा और ये एक और चीज़, ये जो था ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा था ये OA का मॉड था, मतलब A वेक्टर का मॉड था, मैग्नीट्यूड था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स से दिस पी क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर, तो डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालोगे एल निकालोगे तो एल इज बेसिकली इसका एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट जैसे फोर्स के कंपोनेंट्स लेते हो तो एल इज बेसिकली द एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ पे क्या था इस वाले फॉर्मूले में एक्स आता है, यहाँ पे सिंस पी क्यू वेक्टर निकालोगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप आएगा, ठीक है, और यही आई के साथ जो आता है, यही आई के साथ जो आता है यही मेरा डायरेक्शन कोसाइन होता है, रेशियो होता है। तो डायरेक्शन रेशियो डिवाइड बाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ पी क्यू, तो मॉड ऑफ पी क्यू करो तो मॉड ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, तो ये मेरा एल हो गया। सिमिलरली अगर आप एम निकालोगे तो वो हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू, सिमिलरली अगर एन निकालोगे तो वो हो जाएगा जेड टू माइनस जेड वन अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू। तो ये मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, और कौन से डायरेक्शन कोसाइंस हो गए अगर आपको दो अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है, पी क्यू दिया हुआ है तो इंस्टेड ऑफ पी अगर आप ओरिजिन रख दोगे तो आप डायरेक्टली X2 या Y2 या Z2 यूज कर सकते हो, सिंस P इज नॉट द ओरिजिन तो X2 माइनस X1, मतलब वेक्टर निकाल लो फिर उसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो। तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो ये क्लियर होगा दो पॉइंट्स का।
इतने से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो और टू पॉइंट्स का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पे आपकी पहली एक्सरसाइज गिवन है 11.1 जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, दिस इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट सिंपल वाला। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं दो पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप बताओ कि डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा। -2, 4, -2, 4 and 5 और -5, -2, 4 and -5 और 1, 2, 3, इन दोनों का डायरेक्शन कोसाइन बता दो क्या आएगा। आ गया होगा अब तक, थ्री आ रहा है, 2 - 4 - 2, 3 + 5 = 8 स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 13, 13 + 64, 13 + 64 77। ये आ गया, देखो क्या किया, x2 - x1 किया तो 3 आया, अपॉन रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो पहले x2 - x1 किया तो 3 आ गया, y2 - y1 किया -2 आ गया, z2 - z1 किया तो 8 आ गया, यानी तीनों का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर 9, 4, 64 ऐड करो 77 आ गया। तो वही है बस जो भी लास्ट टाइम बताया कि x2 - x1 अपॉन रूट ऑफ इसका स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर्स का सम, बस वही कर दियो एंड आंसर आ गया। तो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, एक या दो नंबर में पूछ सकते, एक नंबर में ही पूछेगा बेसिकली कभी अगर आया तो। ओके तो आई होप ये क्लियर हो गया। अगर दो लाइंस कोलिनियर हैं तो हमेशा लैम्डा टाइम्स होता है, वो भी बता रखा है आप लोगों को। चलो ठीक है अभी यहाँ देखते हैं बच्चे। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस, इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस, मतलब किसी इक्वेशन किसी स्पेस में किसी भी 3D फिगर में किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो लाइन निकालने के लिए मुझे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली, एक तो किसी एक पॉइंट जहाँ से वो पास कर रहा है, दूसरा इसका स्लोप क्या है, बेसिकली एंगल क्या है जहाँ से मतलब किस एंगल पे निकल रहा है। तो दो चीज़ें अगर मुझे पता होंगी तो मैं किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे दो पॉइंट्स दे दिए होते हैं बट मुझे वो नहीं बताता कि लाइक एंगल नहीं बताता, तो उसके लिए भी हमें पता है कि दो लाइन्स अगर मुझे दिए होंगे तो मैं स्लोप कैसे निकाल सकता हूँ या एंगल कैसे निकाल सकता हूँ। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट वही होती है, एक पॉइंट पता होना चाहिए और डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में लाइन बढ़ रही है एंगल से, मतलब यहाँ पे 3D में डायरेक्शन हो जाता है जैसे 2D में स्लोप्स होता है, यहाँ पे 3D में डायरेक्शन हो जाता है, वही डायरेक्शन कोसाइंस जो हम बोल रहे हैं अभी बार बार। तो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक पॉइंट की जहाँ से वो पास कर रहा है, दूसरा डायरेक्शन पता होना चाहिए। किसी भी वेक्टर के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है कि मैग्नीट्यूड और वो पता होना चाहिए, बस लाइन का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, लाइन तो बहुत लंबी होती है, इनफाइनाइट होती है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट पता होना चाहिए कि किस पॉइंट से पास हो रहा है, डायरेक्शन पता होना चाहिए तो हम लाइन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन दो तरह से पुट अप हो सकता है कि मतलब इक्वेशन निकालने के दो वे हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज अ गिवन डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन आपको पता हो, और इट पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, मुझे दो पॉइंट्स पता है, तो दो पॉइंट्स पता है तो मैं डायरेक्शन निकाल सकता हूँ खुद से ही। अब देखते हैं कि अगर मुझे पॉइंट पता है, सबसे पहला वाला कि इफ आई नो अ पॉइंट
एंड डायरेक्शन, पॉइंट प्लस डायरेक्शन, तो फिर कैसे डील करना है? तो देखो लेट्स से मेरे पास, मुझे बोला कि कोई एक वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर, ठीक है, एंड अ लाइन इज रनिंग पैरेलली टू दिस, ठीक है, अ लाइन इज रनिंग पैरेलली टू दिस, और इसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझे, लेट्स से दिस इज लाइन एल, और इसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि बी वेक्टर के पैरेलल रन कर रहे हैं, तो डायरेक्शन मुझे पता चल गया, ठीक है, और आई हैव अ सर्टेन पॉइंट ए, जो मुझे पॉइंट भी पता है कि इस लाइन से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ठीक है, फिर दिस मच नॉलेज, सी क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो इफ आई नो ओरिजिन, तो आई नो दैट दिस विल बी एन ओ ए वैक्टर, लेट्स से दैट दिस वैक्टर इज ए वैक्टर, ठीक है, एंड इफ दैट वैक्टर इज ए वैक्टर, तो लेट्स टेक अ पॉइंट, अनदर पॉइंट पी ऑन दिस लाइन एल, लेट्स टेक अनदर पॉइंट पी, और इसको मैं बनाता हूँ, लेट्स से दिस इज एन आर वैक्टर, लेट्स से दिस इज एन आर वैक्टर। अब देखो क्वेश्चन में पता मुझे ये है कि एक बी वैक्टर के पैरल वैक्टर लर्न कर रहा है, एक लाइन लर्न कर रही है, उसका मुझे डायरेक्शन बताना है, मतलब उसका मुझे इक्वेशन बतानी है। आई नो दैट ये पॉइंट ए है, तो ओरिजिन से मैं वेक्टर निकाल सकता हूँ, जैसे मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, आई कैन फाइंड दिस ए वेक्टर, एंड अनदर आई एम टेकिंग अनदर पॉइंट ऑन दिस लाइन, लेट्स से दैट पॉइंट इज पी, वेरिएबल पॉइंट है, कहीं पे भी ले सकते हो आप, और उसके कुछ पोजिशन वेक्टर्स मैंने फिक्स नहीं रखे हैं मतलब, एंड लेट्स से दिस ओ पी वेक्टर इज आर वेक्टर। अब देखो यूजिंग ट्राइंगल लॉ, यूजिंग ट्राइंगल लॉ, देखो ओ ओ ए प्लस ए पी इज ओ पी, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज ओ पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर, और यही ए पी वेक्टर जो है ना, मुझे ये ए पी वेक्टर जो है ना, यही ए पी वेक्टर मुझे चाहिए, ए पी वेक्टर मिल जाएगा तो मुझे लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, ए पी वेक्टर को इधर रखा, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ओ पी वेक्टर माइनस, ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और ए पी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ, ए पी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि अगर कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वह लैम्डा टाइम्स होते हैं, ए पी वेक्टर इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस वाला वेक्टर, ऊपर वाला वेक्टर, तो अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो दैट इज, दैट विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब लैम्डा कुछ भी हो सकता है, 0.1, 0.2, 1, 1.8, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ ए वेक्टर, और ओ पी वेक्टर क्या हो गया आर वेक्टर, और ओ ए वेक्टर क्या हो गया ए वेक्टर। अब ना ये जो आर वेक्टर है, सिंस दिस इज माई वेरिएबल वेक्टर, क्योंकि P की पोजीशन पे डिपेंडेंट होगा, बाकी सारी चीज़ें तो फिक्स हैं, लाइक B वेक्टर के पैरेलल है एंड लैम्डा कोई कांस्टेंट होगा, A वेक्टर इज ऑल्सो फिक्स क्योंकि पोजीशन पता है आपको, दिस R वेक्टर विल बी A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एंड दिस इज माई लाइन्स इक्वेशन, R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, वेयर A इज द पोजीशन वेक्टर एंड बी इज द वेक्टर जिसके पैरेलल लाइन हो, जिसके पैरेलल लाइन हो, तो ये मेरा जो आता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, थ्री डी लाइन, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो वाला, प्लस लैम्डा इज बेसिकली की पैरेलल है दिखाने के लिए लैम्डा यूज किया है, एंड बी वेक्टर इज द वेक्टर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पैरेलल है वो, ये बेसिकली डायरेक्शन बता रहा है। इसी चीज को मैं कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे एक सेकेंड, आयुष एवरीवन को नहीं बताओ, मुझे प्राइवेटली बताओ, B vector is not the direction ratio. B vector is basically, मुझे let's say मैंने बोला कि एक line, ऐसी equation, line की equation निकालो जो 1, 2, 3 से pass हो रही है,
तो 1, 2, 3 क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया मेरा, मतलब पोजीशन हो गया मेरा, और एंड इज पैरेलल टू 3i cap + 4j cap + 5k cap, ऐसा मुझे बोल दिया। तो वो जो 3i + 4j + 5k है ना, उससे पैरेलल रन कर रही है। तो मतलब पैरेलल रन करने का मतलब हो गया कि 3i, 4j, 5k भी हो सकता है, 6i, 8j, 10k भी हो सकता है, मतलब लैम्डा कैन बी एनीथिंग। तो पैरेलल का मतलब वो हो गया, जैसे टू लाइंस आर कोलिनियर शो करना होता है तो क्या करते हो, a = λ × b कर देते हो ना, जैसे कि कोलिनियर वेक्टर्स अगर हो गए तो पैरेलल वेक्टर्स हो, मतलब पैरेलल वेक्टर्स अगर हो गए तो कोलिनियर बना सकते हो इफ दे आर नॉट पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट। तो b इज नॉट द डायरेक्शन रेशियो, b इज द पैरेलल वेक्टर जिसकी लाइन पैरेलल है भी, मतलब किस डायरेक्शन में बढ़ रही है बेसिकली वो बता रहा है। अब देखो इसी में मैं अगर सबका कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या हो गया, इसी में अगर मैं सबके कोऑर्डिनेट्स रख देता हूँ या पॉइंट्स रख देता हूँ तो आई विल बी गेटिंग द कार्टेशियन फॉर्म। तो लेट्स से आर वेक्टर को मैं एक्स वाई जे मान लेता हूँ, लेट्स से पी वेक्टर को एक्स वाई और जे मान लेता हूँ, जेड मान लेता हूँ, और ए वेक्टर को एक्स वन वाई वन और जेड वन मान लेता हूँ, एक्स वन वाई वन और जेड वन, एंड बी को ए बी सी मान लेते हैं, ए बी और सी स्मॉल वाला। तो अब यहाँ पे अगर मैं सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ध्यान से देखना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा ए क्या है एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब अगर इक्वेट करना होगा तो कैसे इक्वेट करोगे, आई वाले को आई वाले से इक्वेट करोगे, जेड वाले को जेड, वाई वाले को वाई, जे वाले को जे से और के वाले को के से। तो अगर इक्वेट करोगे ठीक है तो ऐसा आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, y is equals to y1 plus lambda times of b, and similarly z is equals to z1 plus lambda times of c। यहां से ऐसे इक्वेट करोगे तो अगर ये सारी चीजें लिखोगे ठीक है तो दीज आर, अब यहां से अगर मैं मतलब दीज आर द इक्वेशंस कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, z कोऑर्डिनेट क्या होगा लाइन का ठीक है, अगर इसकी मैं इक्वेशन लिखूं ठीक है लैम्डा को एलिमिनेट करके, लाइक सबको लैम्डा के इक्वेट कर दो, एज एन यू आर गेटिंग एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस लैम्डा ए। सो आप यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालो, तो लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए आ जाएगा, सिमिलरली वाई माइनस वाई वन अपॉन बी आ जाएगा, एंड सिमिलरली जेड माइनस जेड वन अपॉन सी आ जाएगा। तो दिस इक्वेशन, this equation is known as, this equation is known as a cartesian equation, cartesian form of vector ठीक है, lambda को eliminate कर दिया यहां से, lambda को eliminate कर दिया, तो एक ये equation हो गई, this is the general equation, this is the ये वाली equation हो गई, this is the cartesian equation ठीक है। और अगर किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन है तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाती है एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। देखो दिस मेक सेंस ना, कि अगर आप ए बी और सी से पास करा रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, किस वेक्टर के पैरेलल है आप वो निकाल रहे हो, तो लैम्डा को आप एलिमिनेट कर दे रहे हो। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी डायरेक्शन कोसाइंस पता है, डायरेक्शन कोसाइंस पता है तो मतलब आपको डायरेक्शन पता है कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, मतलब एज एन क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है कि दिस इज लर्निंग पैरेलल टू बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स दे दिया, क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है कि यू हैव द डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइन देने का मतलब हो गया कि डायरेक्शन बता दिया बेसिकली कि किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो अगर पैरेलल दे रहा है तो लैम्डा एलिमिनेट कर दोगे, यहाँ पे ए बी और सी आ जाएगा, अगर डायरेक्शन को साइंस दे रहा है तो यहाँ पे डायरेक्टली एल एम और एन यूज कर लेना, रिजल्ट दोनों सेम आता है, दोनों मतलब सेम ही चीज है।
एक क्वेश्चन करो, ये क्लियर हुआ सबको? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, एक तो ये वाली हो गई, ये जनरल फॉर्म हो गई, और एक ये वाली हो गई जब आपको डायरेक्शन कोसाइन या पैरेलल टू किसी गिवन वेक्टर के दिया होगा तो। सर वो सेकंड पार्ट फिर से बता सकते हो प्लीज? ये एलएमएन वाला? हाँ सर, वो जो नीचे किया ना जनरल फॉर्म के नीचे वो वाला पार्ट। हाँ हाँ, जनरल फॉर्म के नीचे ऐसा ये वाला पूरा। हाँ सर, मतलब स्टार्टिंग का, एंडिंग का समझा, बट इधर थोड़ा नहीं समझा। देखो आर वेक्टर का मैंने एक पोजीशन ले लिया एक्स वाई और जेड, ठीक है। ए वेक्टर को मैंने एक्स वन वाई वन और जेड वन ले लिया, और बी का कोऑर्डिनेट मतलब बी वेक्टर का मतलब ए बी और सी से पास हो रहा है जैसे, तो वो लाइन उससे पास हो रही है, मतलब एक वेक्टर है। नाउ जो ये जो मेरी गिवन जनरल लाइन थी ना, इसमें मैंने सारी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी आर वेक्टर के लिए। आर वेक्टर के लिए मैंने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के सब्सिट्यूट कर दिया। सिमिलरली ए वेक्टर के लिए एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, एंड बी वेक्टर के लिए लैम्डा टाइम्स ऑफ, क्योंकि लैम्डा टाइम मतलब वही जनरल इक्वेशन में वैल्यू सब्सिट्यूट की। अब क्या करते हो जब आपके पास, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल्स टू टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के, तो आप समझते हो ना कि एक्स इज इक्वल्स टू टू हो जाएगा वहाँ पे। हाँ सर, आई कैप रिलेट हो जाता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट यूज करके नीचे वाला जो इक्वेशन था ना, आई कैप से आई कैप को इक्वेट किया, तो आई गॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस लैम्डा ए आई कैप का लगा, बस वहां से ये इक्वेशन आया था। इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, इसके पहले वाले को बोलते हैं नॉर्मल जनरल इक्वेशन। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ओके, एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इज, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन मतलब जनरल इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन भी बोलते हैं। This is vector equation as well. और इसको कार्टिशियन इक्वेशन बोलते हैं। तो फाइंड वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टिशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 5, 2, -4, 5, 2, -4 एंड इज पैरेलल टू, एंड इज पैरेलल टू 3i + 2j - 8k। उस पॉइंट से पास हो रहा है नीचे वाली लाइन के पैरेलल है। तो कार्टेशियन फॉर्म भी बताओ और जनरल फॉर्म भी बताओ लाइन की। अच्छा, जनरल फॉर्म में मतलब वेक्टर फॉर्म में लैम्डा रहता ही रहता है, लैम्डा को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अनलेस जनरल कुछ हमें दिया रहे लैम्डा को एलिमिनेट करने के लिए, वी कैन नॉट एलिमिनेट लैम्डा, विल लीव इट इन दैट वे इटसेल्फ। हाँ सही है आयुष, ठीक है। तो सबका आ गया होगा, बहुत सिंपल सा काम। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए 5i + 2j - 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जिस भी वेक्टर के हो, तो 3i + 2j - 8k, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल फॉर्म हो गया। अगर दूसरे वाले फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, x minus 5 divided by 3, x minus x1
अपॉन ए एक्स माइनस फाइव डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल्स टू वाई माइनस टू डिवाइड बाई टू इज इक्वल्स टू जेड प्लस फोर डिवाइड बाई माइनस एट. ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज माई कार्टेशियन फॉर्म. अब सोचोगे सर ये इक्वेशन ऑफ लाइन इतना सिंपल टॉपिक क्यों, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के बाद आगे मैनिपुलेशन करेंगे. पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना आ जाए, ये इक्वेशन ऑफ लाइन समझ में आ जाए कि इक्वेशन ऑफ लाइन दी है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है. जैसे आपको यहाँ पता चल जाएगा कि इसके पैरेलल है और ये पॉइंट है जिससे पास हो रहा है. तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी तो आगे क्वेश्चंस और डिफिकल्ट होंगे इन चीज़ों को यूज़ करके. ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट और प्लस मुझे डायरेक्शन गिवन है, तो डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, तो किसी वेक्टर के पैरेलल रन कर रहा है वो गिवन है. सेकेंड इज कि अगर मुझे दोनों पॉइंट्स गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, तो कैसे डील करना है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जैसे पिछली बार किया था इस बार भी करेंगे. जैसे मान लो मेरे पास दो पॉइंट्स गिवन है, जैसे ए और यहाँ पे एक बी गिवन है, और लेट्स से मैंने ये मेरा ओरिजिन वेक्टर है. ठीक है, तो ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, और उसके बाद फिर मैंने एक पोजीशन वेक्टर ले लिया लेट्स से पी आर वेक्टर. सिमिलर एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. देखो मुझे ए बी वेक्टर का बेसिकली चाहिए, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. ये लाइन की इक्वेशन आ जाती है. कैसे आती है कोई मुझे समझाएगा? देखो अगर मैं एपी वेक्टर निकालूंगा तो एपी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ एबी वेक्टर, एपी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ एपी वेक्टर. दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, आप लोग को दिख रहा है वहां पे पासिंग थ्रू टू पॉइंट. अगर एक लाइन बनाओगे और उसमें लाइन पे बीच में कुछ लोगे तो वो लाइन मतलब ये लाइन एपी वेक्टर, ये वाला वेक्टर विल ऑलवेज बी पैरेलल टू दिस वेक्टर एबी वेक्टर. तो वहां से आता है कि एपी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एबी वेक्टर. तो एपी वेक्टर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर. सोचो ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर, जैसे पिछले वाले में करवाया सिमिलरली, जैसे यहाँ पे बताया था अभी वैसे ही है, डायरेक्टली लिख दिया मैंने इस बार. और लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर आपको पता है कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा. तो बस वैसे ही वहां से आई गॉट दिस इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट. सिंस लास्ट क्वेश्चन में लास्ट पार्ट में समझा दिया इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बट आई होप समझ में आ रहा होगा ये. तो दिस इक्वेशन इज लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. यहां से अगर आप r वेक्टर निकालोगे तो r वेक्टर विल बी a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस a वेक्टर. तो जैसे वहां लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर था, यहां पे लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस a वेक्टर आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस a वेक्टर आ जाएगा. बस इतना डिफरेंस आएगा दो पॉइंट्स के केस में. और अगर यही चीज कार्टेशियन फॉर्म में निकालने जाओगे तो कार्टेशियन फॉर्म में देखो r वेक्टर को लेट्स से y, p वेक्टर को x y z मान लेते हैं, b को x2, y2 और z2, और a को x1, y1 और z1. ठीक है, यहाँ पे x, y, z है. तो वापस से लिखोगे यही सेम वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो यू विल बी गेटिंग x प्लस y प्लस z i j k इज इक्वल्स टू a वेक्टर x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस लैम्डा टाइम्स i j k है प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस ए करोगे तो क्या हो जाएगा, x2 टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन प्लस जेड टू माइनस जेड वन. ठीक है, आई जे के है हर जगह, लिख नहीं रहा हूँ मैं,
समझ लेना, ठीक है। फिर वापस से इक्वेट करोगे, इक्वेट करोगे तो x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, और लैम्डा को इधर ही रहने दोगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो वो बस वही सिमिलर हो जाएगा, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तो ये मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी, z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तो यू मैन डायरेक्टली राइट इस टाइप ऑफ इक्वेशन एंड वो आप शो दैट वी टू एक्स वाई एज नहीं आयुष, यू कैन डायरेक्टली राइट द इक्वेशन। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने को दिया तब तो आप जो स्टेप्स में फॉलो करूंगा वो आप करोगे, ठीक है। कि लाइक जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज दिस एंड सब्स्टिट्यूटिंग लाइक दिस इज ए वेक्टर पोजिशन वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर जिसके पैरेलल रन कर रहा है, सॉरी दिस इज बी वेक्टर जिसके पैरेलल रन कर रहा है, दिस इज ए वेक्टर जहाँ पोजिशन से पास हो रहा है, एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। फिर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये लाइन डायरेक्टली लिख दोगे अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने को आया। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने को नहीं आया, कुछ मैनिपुलेशन है, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्टली ऐसा लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी बिना कुछ समझाए हमने, और फिर आगे जैसे भी यूज करना है वैसे यूज कर लोगे। तो ये हो गया, मतलब देखो ध्यान से, बस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे एक b माइनस a वेक्टर आता है इंस्टेड ऑफ b वेक्टर। और अगर पोजीशन वेक्टर की बात करोगे तो नीचे a b और c आता है डायरेक्टली, यहाँ पे मैं हम x2 माइनस x1 करते हैं, मतलब दोनों पॉइंट्स को का डिफरेंस लेकर के डिवीजन में रख देते हैं, तो यू विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लूं, मेरे पास एक कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन दी हुई है, जा छोड़ो दूसरा क्वेश्चन करो, फाइंड द वेक्टर, दो पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन निकालो। तो पॉइंट्स गिवन है, माइनस वन जीरो टू, पॉइंट बी गिवन है थ्री फोर सिक्स, थ्री फोर और सिक्स, तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन निकालो, थ्री फोर सिक्स और माइनस वन जीरो एंड टू, माइनस वन जीरो एंड टू एंड थ्री फोर सिक्स। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन आ गया होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई प्लस टू के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ फोर आई प्लस फोर जे प्लस फोर के, ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हो गई मेरी, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये सिलेबस से डिलीटेड है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स और एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ये पोर्शन जो है इस बार के सिलेबस से डिलीटेड है, तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बट एंगल बिटवीन टू लाइन्स पढ़ाना मतलब समझाना थोड़ा सा जरूरी है, बिकॉज हम जब आगे अगले टॉपिक पे मूव करेंगे स्क्यू लाइन्स पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, तो वहां पे यूज होता है वो, तो हाँ शिवांश राइट, वी कैन रिमूव फोर, वो लैम्डा में ही आ जाएगा, इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस बताना है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस वैसे बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, छोटे से मैं ब्रीफ कर देता हूँ अभी, वो चीज़ें आगे यूज होंगी, आगे यूज होंगी, तो फिर वहाँ आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लो मेरे पास दो लाइन की इक्वेशन है,
a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 और a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2. आई हैव टू लाइंस, टू इक्वेशंस. एंगल बिटवीन टू लाइन का इमेजिनेशन तो आप लोगों को पता ही है, तो उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लाइक कोई भी लाइन है तो दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा. लेट्स से दिस इज लाइन वन एंड दिस इज लाइन टू. तो लेट्स से लाइन वन की इक्वेशन है r1 इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 एंड लाइन टू की इक्वेशन है r2 वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा म्यू टाइम्स ऑफ b2 या लैम्डा वन और लैम्डा टू कर लो, रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग वे हो सकते हैं. तो ये दो लाइन की इक्वेशन है. तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे होगा, मतलब हाउ विल वी फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग दीज थिंग्स. Anyone? लाइन वन है, लाइन टू है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकाल सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट से, लेकिन डॉट प्रोडक्ट ही क्यों? आंसर इज करेक्ट, डॉट प्रोडक्ट से निकाल देंगे, बट वाई डॉट प्रोडक्ट? हाँ आयुष, फॉर्मूला सही है. फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है. फॉर्मूला मुझे बताने की जरूरत नहीं हो, आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोग यूज भी कर रहे हो, आप लोग रेगुलर टेस्ट दे रहे हो. क्या हो जाएगा, b1.b2 इंटू मॉड ऑफ b1 टू मॉड ऑफ b2, ठीक है. मैं ये पूछ रहा हूँ कि वाई ओनली क्रॉस, मतलब वाई ओनली क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट, क्यों ऐसा? साइन थीटा भी तो यूज कर सकते हैं ना. लेंदी होगा, ओके, लेंदी होगा, फॉर होगा, वेरी गुड ललित, वेरी गुड अंशिका. एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस आप बता पाओगे यहाँ से? साइन थीटा में आपको दोनों पॉजिटिव मिलेगा, तो सेंस दोनों पॉजिटिव मिलेगा तो आप एक्यूट और ऑब्ट्यूस नहीं बता सकते हो कि एंगल कैसा है दो लाइंस के बीच में. बट कॉस थीटा की वजह से क्या होता है कि यू विल बी गेट टू नो कि अगर 90 से ज़्यादा आएगा तो यू विल बी गेटिंग अ नेगेटिव फैक्टर, तो आप ऑब्ट्यूस बता पाओगे. और क्या कहते हैं, इफ यू विल बी गेटिंग इन, मतलब समझ रहे हो ना कि साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अक्यूट और ऑब्ट्यूस दोनों के लिए पॉजिटिव आता है, बट नॉट विद द केस ऑफ कॉस थीटा. कॉस थीटा नेगेटिव भी देता है, तो दैट इज वाई हम क्या करते हैं कि हम अक्यूट एंगल वाला, मतलब ये सॉरी कॉस थीटा यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं. रिमेंबर दिस थिंग उसके लिए. और दूसरी चीज़, फॉर्मूला डराइव करने की जरूरत है, आई गेस नहीं है, वैसे भी ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, फॉर्मूला सबको आता ही है. तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बी वन और बी टू देखो क्या है, बी वन और बी टू जो डायरेक्शंस थे मेरे वो हैं, मतलब कि किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो डायरेक्शन अगर पता है, ऑब्वियसली डायरेक्शन के बीच में ही एंगल निकालोगे, पोजिशन के बीच में एंगल निकालने का क्या सिग्निफिकेंस हुआ? तो बी वन और बी टू के बीच में डायरेक्शन निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट लेना है, एंगल मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है. ये होता है फॉर्मूला. इसके बाद मान लो अगर आपको उस फॉर्म में दिया रहे, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दी रही है, तो नॉर्मल फॉर्म में दी थी तो आपने निकाल दिया. अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी रहेगी तो आप कैसे निकालोगे?
देखो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ वैसे तो, जैसे मान लो कार्टेशियन में क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि लेट्स से आई हैव द कोऑर्डिनेट्स फॉर बी वन एज एक्स वन वाई वन एंड जेड वन एंड फॉर बी टू एज एक्स टू वाई टू एंड जेड टू, ठीक है, और आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है. कार्टेशियन फॉर्म में देने का मतलब है कि लाइक एक्स माइनस ए वन अपॉन एक्स वन, एक्स माइनस ए टू, वाई माइनस बी वन अपॉन वाई वन, और इस टाइप पे दिया हुआ है. तो कैसे निकालोगे? तो बहुत कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है. नीचे वाले जो होता है वो बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. लेट्स से यदि बी वन के लिए दिया हुआ था वेक्टर, बी वन वेक्टर दिया हुआ था, तो नीचे वाले जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो बी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं. ठीक है, नीचे वाले कोऑर्डिनेट से ही आपको डिफरेंस, मतलब ये जो कार्टेशियन फॉर्म में बता रहा था यहाँ पे ए बी और सी, यहाँ पे आपको बता रहा ना बी के कोऑर्डिनेट्स ए बी और सी होते हैं. देखो बी के कोऑर्डिनेट्स ए बी और सी हैं, तो वो नीचे वाले जो दिए होते हैं ना उसी का डॉट प्रोडक्ट लेना रहेगा. लाइक से ए वन बी वन और सी वन था, और ए टू बी टू और सी टू था, दो अलग अलग लाइन्स के लिए, तो ए वन इंटू ए टू डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो फॉर्मूला अपने आप निकल आता है. तो वहाँ से जो फॉर्म आती है that is cos theta is equals to a1 a2 into b1 plus b1 b2plus c1 c2 upon root of a1 square plus a2 b1 square plus c1 square multiply by root of a2 square plus b2 square plus c2 square cos theta. ये हो जाता है. तो ये आप यहाँ पे वैसे भी सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा. मॉड ऑफ बी वन लोगे तो रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस एट सी वन स्क्वायर. मॉड ऑफ बी टू लोगे तो सिमिलरली दूसरा वाला, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डॉट प्रोडक्ट में एक आई कैप और आई कैप वाले मल्टीप्लाई जाते हैं, तो ए वन ए टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बी वन बी टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी वन सी टू जी कैप के लिए, इसके कैप के लिए. तो वहाँ से ये फॉर्मूला भी आता है. तो ये निकाल सकते हो, इसमें कुछ वैसा कुछ मतलब डिफरेंट नहीं है. बस ये फॉर्म आपको बता दिया था, दैट वॉज सफिशियंट प्रीवियस वाला. तो b1 into b2, b1 dot b2 upon mod of b1, mod of b2, का mod, whole mod, ये cos theta होता है. प्लस और माइनस दोनों आता है, इसलिए वो whole mod यूज किया है मैंने. obtuse भी होता है, acute भी होता है, that is why हम dot product लेते हैं. Now the next topic is, जहाँ पे ये concept use होगा, distance between two lines वाला, shortest distance between two lines, shortest distance between two lines. अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का देखो, ध्यान से देखना. अगर मैंने लेट्स से कोई लाइन है मेरी, और एक मेरी ऐसी लाइन है, ये जो ऐसी वाली लाइन है ना, ये इसके नीचे से निकल रही है, पास हो रही है, क्रॉस हो रही है. जैसे इमेजिन करना लाइक दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके नीचे से एक लाइन पास हो रही है. दिस इज इन एयर, दिस लाइन इज इन एयर, एंड उसके नीचे से एक लाइन पास हो रही है. ठीक है, ऐसा बहुत नीचे से पास हो रही है. ठीक है, तो अब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालेंगे? मान लो ये लाइन, ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, जहाँ पे दोनों का सबसे छोटा वाला पॉइंट आया होगा. ठीक है, जैसे इस पॉइंट के जस्ट नीचे ये वाला पॉइंट है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा. बट हाउ विल वी फाइंड आउट कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अगर मुझे दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो मुझे डायरेक्शन भी पता है लाइन का, किस पॉइंट से पास हो रही है वो भी पता है. बट हाउ विल वी फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, या हाउ कैन वी फाइंड? देखो डायरेक्शन के लिए नॉर्मल, इसको थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ. लेट्स से मुझे ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए. ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज होगा, मतलब ठीक है. अब देखो, अगर मुझे कोई दो पॉइंट मिल जाए, लेट्स से मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी, और लेट्स से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज पी क्यू. ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए बी वेक्टर लिया, ए बी वेक्टर लिया. पहली वाली लाइन पे, लाइन वन पे एक पॉइंट ले लिया ए, लाइन रैंडम पॉइंट ले लिया बी,
तो ए बी वैक्टर मिल जाएगा मुझे। अब मुझे पी क्यू वैक्टर निकालना है, क्योंकि पी क्यू मतलब पी क्यू वैक्टर का पी क्यू वैक्टर मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है, या मॉड निकालना है पी क्यू वैक्टर का। तो अब देखो क्या होगा कि ये जो ए बी वैक्टर है मेरा, ये जो ए बी वैक्टर है मेरा, ठीक है, इफ पी क्यू इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इफ पी क्यू इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर टू लाइन्स एल वन एंड एल टू, तो पी क्यू का क्या करें, प्रोजेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, प्रोजेक्शन निकालने मतलब ए बी का प्रोजेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं पी क्यू के उसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। तो प्रोजेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ इसका सिग्निफिकेंस समझना इम्पोर्टेंट है, मतलब लाइक क्या क्या ग्रास्प कर सकते हो आप ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर जो मेरे पास ए बी वैक्टर है, ए बी वैक्टर है, अगर इसके दो कंपोनेंट्स करोगे, एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, किसी भी वेक्टर का आप कंपोनेंट करते हो, किसी भी वेक्टर का आप कंपोनेंट करते हो, तो आपको एक ये वाला कंपोनेंट मिलता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट मिलता है, हर एक्सिस पे एक कंपोनेंट मिलता है आपको, ठीक है। तो लेट्स से ये जो पी क्यू था, दिस वॉज वन सच कंपोनेंट, दिस वॉज वन सच कंपोनेंट ऑफ दिस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ इस, जैसे मान लो आप एक बहुत सिंपल से टर्म्स में समझते हैं, एक पोल है थोड़ा टिल्टेड है, ठीक है, थोड़ा टिल्टेड है, तो टिल्टेड होने के बाद उसकी शैडो पड़ रही होगी ग्राउंड पे, ग्राउंड एक प्लेन है, ग्राउंड पे उसकी शैडो पड़ रही होगी, तो उसका जो ग्राउंड पे उसकी जो शैडो पड़ रही होगी, ठीक है, वो उसका लाइक वो उसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, जैसे फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालते थे। तो दिस इज द प्रोजेक्शन, मतलब ये अगर मान लो ए बी है मेरा, तो ए बी ये पी क्यू वैक्टर है, ठीक है, ए बी वैक्टर को मैं मूव कर सकता हूँ, कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, ए बी वैक्टर मूवेबल वैक्टर ना, फिक्स नहीं किया था मैंने, दो पॉइंट्स लिए थे, तो इसी ए बी वैक्टर का प्रोजेक्शन एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये भी, लेट्स से दिस इज क्यू पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, तो एक तो पी क्यू हो जाएगा, एक क्यू बी हो जाएगा इसी ए बी वैक्टर का प्रोजेक्शन। तो बस जैसे उसके लिए होता था, क्या कहते हैं, पोल के केस में होता था, वैसे ही सेम हम यहाँ पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, एंड विल गेट द, वंस विल गेट द पी क्यू वैक्टर, तो बस मेरे लिए फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल वैक्टर निकालते हैं, एक नॉर्मल वैक्टर निकालते हैं, नॉर्मल वैक्टर मतलब नॉर्मल वैक्टर एज एन यूनिट वैक्टर निकालते हैं पी क्यू का। तो पी क्यू का यूनिट वैक्टर क्या हो जाएगा, पहले P और Q के कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करते हैं, तो ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, फिर से एक बार ब्रीफ करता हूँ, ध्यान से देखना, इससे मेरे पास दो लाइंस थी, ठीक है, दो लाइंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी थी, तो लेट्स से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज PQ, ये सब परपेंडिकुलर है। अब मैंने क्या किया, PQ वेक्टर का, PQ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो लेट्स से PQ वेक्टर इज, इसके बीच में जैसे डिस्टेंस इज डी और यूनिट वेक्टर इज एन कैप, यूनिट वेक्टर इज एन कैप, ठीक है, कोई भी वेक्टर में क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाता है, तो मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये पी क्यू वेक्टर हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा कि एन कैप निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं इस पी क्यू वेक्टर का। तो लेट्स से दिस इज लाइन वन एंड दिस इज लाइन टू, लाइन वन एंड लाइन टू, लाइन वन इज लेट्स से आर वेक्टर, आर वन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वन, और आर टू वेक्टर इज इक्वल्स टू ए टू वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी टू। अब देखो एन वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर विल बी बी वन वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। कोई बताएगा ये कैसे आया, कैन एनीवन लेट मी नो, जो यूनिट वेक्टर आया दैट इज b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2।
this actually is direction का unit vector आया, that is b1 cross b2 upon mod of b1 cross b2. किसी को बताया? करेक्ट शिवांश. सिंस PQ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो परपेंडिकुलर होती है. परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम अभी तक बोल रहे थे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल दोनों हो जाते हैं, तो वहाँ कॉस थीटा करते थे या डॉट प्रोडक्ट लेते थे. सिंस द डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर तो कॉस थीटा तो हमेशा जीरो आएगा, तो कॉस प्रोडक्ट लेने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा. तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, सॉरी डॉट प्रोडक्ट लेने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, साइन थीटा वाला प्रोडक्ट लेते हैं. तो दैट इज b1 क्रॉस b2 अपॉन माय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2. ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा यूनिट वेक्टर का सेंस, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए. ठीक है, डायरेक्शन आपको निकल जाएगा क्योंकि हमको पता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा, वन होगा, साइन थीटा इज विल बी वन. तो बेसिकली उसको यूनिट वेक्टर से डिनोट कर दिया, एन वेक्टर इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया. ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा, पी क्यू वेक्टर. अब देखो ये जो डी डिस्टेंस है, ये जो डी डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, जो मैं प्रोजेक्शन वाला पार्ट आप लोग को बता रहा था, प्रोजेक्शन वाला का कि ए बी का कॉस थीटा अगर ले लेंगे, ए बी का अगर कॉस थीटा ले लोगे, ए बी का कॉस थीटा ले लोगे अगर, तो आपको पी क्यू मिल जाएगा. तो दैट विल बी डिस्टेंस डी, ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया. डिस्टेंस डी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डी विल बी सेकेंड, डिस्टेंस डी विल बी यहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, लेट्स से एस और टी ले लिया. ठीक है, तो दैट विल बी एस टी का कॉस थीटा, कॉस थीटा, एस टी का कॉस थीटा. और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मतलब अभी कॉस थीटा बताया ना मैंने कि दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हो. ठीक है, मतलब एज एम की ये एक लाइन है पी क्यू और एक लाइन एस टी है, इसका कॉस थीटा आपको लेना है. तो आपको एस टी लाइन का कॉस थीटा लेना है, मतलब मॉड ऑफ कॉस थीटा लेना है, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा. ठीक है, तो वो चीज़ हम क्या करेंगे, वो चीज़ हम यहाँ पे मतलब एज एन पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू एस टी कॉस थीटा. ठीक है, ऐसा. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की निकालेंगे वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाली गिवन इक्वेशन में, और मेरे पास जो फाइनल एन वेक्टर और एस टी कॉस थीटा सबकी वैल्यू निकालने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा, दैट विल बी माई फॉर्मूला. तो एक बार मैं फॉर्मूला फॉर्म करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखो, किसी को नहीं समझ में आएगा तो आई विल रिपीट बनना. तो देखो मेरे पास क्या गिवन है, पी क्यू इज इक्वल्स टू d into n, d is the distance and n vector is the unit vector, direction into magnitude. उसके बाद फिर मेरे पास एक n vector का result आया, n vector का result मेरे पास क्या आया, b1 cross b2 upon mod of b1 cross b2, b1 cross b2 upon mod of b1 cross b2. ठीक है, उसके बाद फिर I got pq vector is equals to st mod of cos theta, और यहाँ पे cos theta क्या हो जाएगा, cos theta will be pq vector dot st vector upon mod of pq mod of st. तो जो mod of लिखा है ना, उसका ये बाहर वाला mod हो गया, सिर्फ cos theta लिखता, सिर्फ cos theta लिखता तो ये आता. सिंस mod of cos theta लिखा है तो उसका ये मतलब हो गया कि पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, हमें पॉजिटिव वाला ही लेना है. तो ये होल मॉड का ये सिग्निफिकेंस हो गया इसका. तो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स आ गए. अब ये सारी की सारी वैल्यू मैं
यहाँ पे cos theta की वैल्यू PQ की वैल्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे आई विल बी गेटिंग PQ क्या हो गया dn, d into n वेक्टर, ठीक है। ST वेक्टर क्या हो जाएगा, ST वेक्टर विल बी लेट्स से ST वेक्टर a1 a2 माइनस ST वेक्टर, एक तो ये a2 आ जाएगा, ये a1 आ जाएगा, हाँ तो ST वेक्टर विल बी a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में मॉड ऑफ PQ लोगे तो d आ जाएगा, और मॉड ऑफ ST लोगे, ठीक है, तो मॉड ऑफ ST कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ST को मॉड ऑफ ST रहने देते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे d से d कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये आपका फाइनली cos थीटा हो जाएगा, ये आपका फाइनली cos थीटा हो जाएगा। अब इसमें n वेक्टर की वैल्यू रख लो, n वेक्टर की वैल्यू रख लोगे तो यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, लिखते रहना, तो फाइनली हो जाएगा b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट में, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आया था, डॉट प्रोडक्ट में a2 माइनस a1 होल डिवीजन में, एक तो ST रहेगा मॉड में ST वेक्टर, और दूसरा रहेगा मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2, ये फॉर्मूला हुआ n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद cos थीटा का, ये आया। और यहां से अगर मैं d वेक्टर निकालने जाऊं, ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो d है ना, d निकालना है मुझे, तो यहां से मैं अगर d निकालने जाऊं तो देखो क्या हो जाएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी d इज इक्वल्स टू या मॉड ऑफ pq इज इक्वल्स टू, तो बेसिकली d ये मतलब बेसिकली ये pq को मैं d बोल रहा हूँ, d इज इक्वल्स टू st cos थीटा होगा, मतलब st एज इन मॉड ऑफ st cos थीटा, ठीक है। तो ये जो ST का था, मतलब ये आप अच्छा ठीक है, यहाँ मैंने मॉड नहीं लगाया था, आप लोगों को नहीं समझना आया होगा, दिस इज d, ये जो ये पे यहाँ पे है ना, ये n वेक्टर निकाल लिया था मैंने और यहाँ पे d निकाल दिया था, ठीक है। तो ये जो pq वेक्टर है दैट इज d क्रॉस n का सब्सटीट्यूशन, तो वो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मॉड ऑफ ST cos थीटा था, तो अब यहाँ पे अगर मॉड ऑफ ST से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज cos थीटा, यहाँ पे मॉड ऑफ ST से मल्टीप्लाई करोगे तो ST और ST कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज d, तो ST और ST कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा दैट विल बी बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू इंटू ए वन क्रॉस ए टू अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, और इसका भी टोटल मॉड क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये फॉर्मूला है फाइनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। मैं वापस एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया होगा, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज्यादा नहीं है, ध्यान से समझना बस। जैसे मान लो दो लाइन्स है मेरे पास, दो लाइन्स के बीच में आई वॉन्टेड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो लेट्स से द PQ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये अज्यूम किया मैंने, और वो परपेंडिकुलर होगा, तो दैट इज वाई मैंने क्या किया कि कोशिश किया कि साइन थीटा का यूज करूँ या क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करूँ। उसके बाद फिर अगर PQ वेक्टर है मेरा, तो मुझे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, लाइक उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो लेट्स से मैग्नीट्यूड इज डी और डायरेक्शन PQ वेक्टर का एन वेक्टर हो गया, तो मैं क्या करूंगा PQ वेक्टर को सेपरेट करने की कोशिश करूंगा, PQ वेक्टर निकालने के बाद उसको बिफरगेट करने की कोशिश करूंगा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने डायरेक्शन निकालने की कोशिश की, तो मेरे पास दो वेक्टर्स गिवन थे, मतलब दो लाइंस गिवन थी, तो लाइंस की इक्वेशन पता थी, तो मैंने उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद आई गॉट द यूनिट वेक्टर, क्योंकि साइन थीटा को मैंने 90 कर दिया, तो परपेंडिकुलर वाले का
मुझे वो मिल गया लाइक डायरेक्शन पता चल गया, यूनिट वेक्टर पता चल गया। अब अगर यूनिट वेक्टर पता चल गया है तो मैं क्या करूँगा, मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करूँगा, मतलब पी क्यू वैक्टर पता करने की कोशिश करूँगा और उसमें से यूनिट वेक्टर हटा दूंगा अगर, तो वो बचेगा, डिस्टेंस बचेगा। अब पी क्यू वैक्टर को ऐसा लिखा, एन वैक्टर पता था मुझे, वो पता चल गया, डिस्टेंस को लिख सकता हूँ मैं प्रोजेक्शन वाले फॉर्मूले से, एस टी का मॉड इंटू कॉस थीटा, जैसे फोर्स का कंपोनेंट कॉस थीटा करते हो तो एक्स कंपोनेंट मिल जाता है ना, उसी तरह से जो कोई रैंडम वेक्टर लिया मैंने एस और टी लाइन का और उसका कंपोनेंट करने की कोशिश की, उसका कंपोनेंट करने की कोशिश की, ठीक है। तो आई गॉट कोई भी रैंडम वेक्टर एस टी लिया, उसका कंपोनेंट करने की कोशिश किया तो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो एस टी का कॉस थीटा करना था तो आई गॉट द कंपोनेंट। कॉस थीटा क्या होता है, ये अभी डायरेक्शन बिटवीन टू लाइंस बताया मैंने, मैग्नीट्यूड मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस बताया अभी, वहाँ से निकला कॉस थीटा। अब सारी चीज़ों को कंबाइन किया, देखो पी क्यू वैक्टर क्या हो गया, डी इंटू एन, तो डी इंटू एन हो गया, तो वहाँ से कॉस थीटा क्या हो गया, पी क्यू इंटू एस टी, मतलब किन दो प्रोडक्ट के एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स निकाल रहे हो ना पी क्यू और एस टी के बीच में, तो वो कॉस थीटा का फॉर्मूला रखा, एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, आई गॉट अ रिजल्ट। वापस से अब पी क्यू इज इक्वल टू डी इंटू एन वाले फॉर्मूले में देखो, एन पता है, डी पता है, पी क्यू पता है, कॉस थीटा पता है, सब कुछ पता चल गया अब आपको। अब आप सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके डी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो ये जो लाल सर्कल करके डी लिखा हुआ है ना, तो पी क्यू प्रोजेक्शन वाले फॉर्मूले में मॉड ऑफ एस टी सब्सटीट्यूट किया, कॉस थीटा सब्सटीट्यूट किया, कॉस थीटा वाले फॉर्मूले में एन कैप सब्सटीट्यूट कर दिया था, एंड सबको सिंप्लीफाई करने के बाद आई गॉट द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एज दिस। यू विल हैव टू रिमेंबर जस्ट दिस, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ओके। एक सेकेंड यार, यहाँ पर माइनस होगा ना, मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, माय बैड, यहाँ माइनस है, ए वन माइनस ए टू या ए टू माइनस ए वन, कुछ भी करो मॉड आ रहा है फाइनली, तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, ओके। अब किसी को कोई प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला याद कर लो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वैसे ही। एक छोटा सा टॉपिक और है, लाइक अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है तो कैसे हो जाएगा, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप वैसे का वैसा ही याद कर लो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ बी वन सी टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का स्क्वायर प्लस सी टू ए सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का स्क्वायर प्लस ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, इसी फॉर्मूले को एक्सपैंड करोगे ना, यू विल बी गेटिंग द सेम थिंग, ठीक है। यहाँ पे बी वन क्रॉस बी टू, तो बी वन क्या हो गया, बी वन के कोऑर्डिनेट्स हो गए ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए वन माइनस ए टू था उससे मल्टीप्लीकेशन करना था, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ये सेम चीज़ की है। यहाँ पे बी वन क्रॉस बी टू किया, तो बी वन क्रॉस बी टू करोगे तो क्या हो जाएगा, बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू का होल स्क्वायर प्लस ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन दिस का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से बस किया। यहाँ पे थोड़ा उल्टा क्योंकि एक माइनस साइन आता है इसलिए उल्टा किया हुआ है, बाकी सारा का सारा रिजल्ट वही है जो क्रॉस प्रोडक्ट में आप करते हो, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू का होल स्क्वायर, बस वही सेम चीज़ है। तो वही ऊपर वाले फॉर्मूले को कन्वर्ट किया, ओपन करके कन्वर्ट किया हुआ है, तो यू डू नॉट हैव टू डू अ थिंग, बस ऊपर वाले फॉर्मूले को ही एक्सपैंड करना है, ठीक है। ये तब का तब था कि जब लाइन एस लाइन वन एस
एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, तो ए वन हो गया, बी वन तुम्हारा मतलब बी हो गया, मतलब आर इज इक्वल टू ए प्लस लामडा बी होता है ना, तो यहाँ पे बी वेक्टर इज ए वन. सिमिलरली इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, तो ए वन बी वन और सी वन जो हो गया वो तुम्हारे बी हो गए. एक्स वन वाई वन और जेड वन जो तुम्हारा हो गया वो ए को कंटेंडेंट हो गया. एक्स ए टू ए वन माइनस ए टू करने के लिए सिमिलरली आप एक्स टू वाई टू और जेड टू जो हो जाएंगे वो ए टू हो जाएगा, तो वो इसी प्रोडक्ट का एक्सपेंशन यहाँ लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले का एक्सपेंशन यहाँ लिखा हुआ है. तो ये तो हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, टू स्क्यू लाइंस, लाइक दोनों लाइन पैरेलल नहीं थी. नाउ व्हाट विल हैपन इफ द बोथ लाइंस विल बोथ द लाइंस विल बी पैरेलल, इफ बोथ द लाइंस विल बी पैरेलल. देखो अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो बी वन क्रॉस बी टू करने का सिग्निफिकेंस क्या होगा? इफ दो लाइंस पैरेलल होती हैं और अपन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो आपको क्या मिलता है? जीरो मिल जाता है. तो अगर दो लाइंस पैरेलल दी हैं तो फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाएगा. ये स्क्यू लाइंस के लिए, दिस इज फॉर स्क्यू लाइंस, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला. अगर पैरेलल दी है तो फॉर्मूला इज डी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन रहेगा हमेशा, अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर. बस बी वन क्रॉस बी टू और बी डिनोमिनेटर में बी वन क्रॉस बी टू की जगह हम सिर्फ बी वेक्टर यूज करेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही है. तो अगर दो पैरेलल वेक्टर्स दिए हैं तो हम डिस्टेंस के लिए बस ये यूज करेंगे. बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर. एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बस हो जाएगा, समझ जाओगे एप्लीकेशन, समझ जाओगे फॉर्मूले का, फिर क्लियर हो जाएगा. The question is, please everyone try to answer these questions. Okay? Find the shortest distance between two lines whose vector equations are, r vector is equals to I plus j plus lambda times of 2i minus j plus k cap. Or second wala vector is R1 vector and R2 vector is 2i plus j minus k, 2i plus j minus k plus mu times of 3i minus 5j plus 2k. Find the shortest distance between these two lines. Find the shortest distance between these two lines. Find the shortest distance between these two lines. यहाँ पे सोचो ए क्या है बी क्या है, फॉर्मूले में रखो वैल्यूज, बी वन क्रॉस बी टू इंटू ए टू माइनस ए वन अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू का होल मॉड, डिस्टेंस मिल जाएगा. तो बी और ए निकालो, बी वन क्रॉस बी टू निकालो, ए टू माइनस ए वन निकालो.
आयुष आप जो पूछ रहे थे ना बेटा कि इक्वेशन ऑफ लाइंस का यूज कहाँ पे आएगा सॉर्ट ऑफ, तो वो यहीं पे आएगा कि आपको समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या चीज़ क्या बता रही है मुझे, फिर उसका मैनिपुलेशन कैसे करना है, उसको कैसे यूज करना है, वो डिफरेंट स्टोरी हो जाती है। मतलब वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। किसी का आंसर आया? वेरी गुड अदिति, तो एवरीवन इज अवेयर राइट, ये B1 है मेरा, सही आ रहा है, वेरी गुड, दिस इज माय B1, दिस इज माई B2, दिस इज माई A1, ये वाला, एंड दिस इज माई A2, दिस थिंग, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए मुझे B1 × B2, ठीक है, इसी का मॉड लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, A2 − A1 के साथ, अपॉन मॉड ऑफ B1 × B2, ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो B1 × B2 करते हैं, तो B1 × B2 करोगे तो क्या आ जाएगा, IJK 2 − 1 − 1 − 3 − 5 or 2, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। ऑल्सो A2 − A1 करते हैं, तो A2 − A1 करो या A1 − A2 करो, कुछ भी एक करो, तो यहाँ से आ जाएगा I − K, ठीक है। तो आई गॉट A2 − A1 as this, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो क्या आ जाएगा, −2 + 5, तो 3i 4 − 3 1, −j और 10 − 10 + 7, तो −7 के, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 3i 3i डॉट प्रोडक्ट लो, तो 3 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आया, ठीक है, J0 हो जाएगा ये, तो J.J 0, यहाँ 0J है, और K.K करो तो −1 − +7, तो यहाँ पे ऊपर तो कितना आ गया, ऊपर 10 आ गया, डिवाइडेड बाई इसका मॉड लो, इसका मॉड लोगे तो 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, 49 + 10 √59 आंसर आ जाएगा, तो 10 √59 आंसर है। आयुष बेटा ये डॉट प्रोडक्ट करोगे ना तो आई जे और के हट जाएगा, और जे तो आएगा ही नहीं ना, ठीक है। तो इस तरह से करना है, एक और क्वेश्चन करो, दिस विल बी द फाइनल क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, भाई दो लाइंस दी हुई हैं, मैं लिख रहा हूँ लाइंस, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, R = I + 2J − 4K + λ × 2I + 3J + 6K, और दूसरा R = I + 2J − 4K + λ × 2I + 3J + 6K, सेकेंड लाइन इज 3I + 3J − 5K, ठीक है, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2I + 3J + 6K,
इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसी का आंसर आया? नहीं, तीर नहीं आ रहा है। पैरेलल है, मीट थोड़ी ना कर रहे हैं। ओके, दोनों दोनों पैरेलल वेक्टर्स दिए हुए हैं, दिख रहा है सबको? ठीक है, पोजीशन वेक्टर डिफरेंस है, डिफरेंट है, तो पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। लेट्स से दिस इज, ये वाला इज ए टू एंड दिस होल इज ए वन, तो ए टू माइनस ए वन करो तो वो कितना आ जाएगा, टू वाई प्लस जे, टू वाई प्लस जे और माइनस फाइव प्लस फोर, तो माइनस के, ये आ गया। उसके बाद क्या करोगे, बी बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन होता है, ठीक है, तो बी क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, टू प्लस थ्री प्लस जे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लो तो क्या हो जाएगा, आई जे और के क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो टू थ्री और सिक्स और टू वन और माइनस वन, और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर होता है, ये तो होता है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर दो लाइंस पैरेलल दी होंगी तो मॉड ऑफ बी वेक्टर तो कितना हो जाएगा, टू थ्री और सिक्स, थर्टी सिक्स प्लस नाइन प्लस फोर फोर्टीन, रूट फोर्टी नाइन, रूट ऑफ फोर्टी नाइन मतलब सेवन हो जाएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट लो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, टू इंटू वन माइनस थ्री इंटू टू, तो दैट विल बी सॉरी थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस माइनस सिक्स, माइनस नाइन नाइन, टू माइनस टू सिक्स, माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व, माइनस फोर्टीन, माइनस फोर्टीन मतलब प्लस फोर्टीन जे, और टू माइनस सिक्स तो माइनस फोर के, थ्री टू जो सिक्स और टू, हाँ माइनस फोर के, ठीक है, इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया आपने, ठीक है, उसका भी मॉड लेना है आपको, फाइनली मॉड लेना है, तो इसका मॉड लोगे तो कितना हो जाएगा, फोर्टीन का स्क्वायर, और उसके बाद नाइन्टी सिक्स का, नाइन्टी सिक्स प्लस सिक्सटीन
और प्लस 99 81 196 81 81 260 277 plus 16 293, तो रूट ऑफ 293 आ जाएगा. ये हो गया मेरा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अच्छा मुझे लगा दो वेक्टर्स सेम का क्रॉस ऑफ होना जरूरी है. अच्छा सर वो ए टू माइनस ए वन के एंड बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है ना? नहीं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट होता है. अरे थे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है फॉर्मूले में. यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है पैरेलल वाले में. तो दोनों का वैसे मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, हो जाएगा. ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है. फॉर्मूला बस ध्यान में रहे तो हो जाते हैं क्वेश्चंस. तो 11.2 आप पूरा कंप्लीट कर लो. 11.2 एवरीवन. 17 क्वेश्चंस हैं इसमें. एक दो क्वेश्चंस बीच में स्किप करना पड़ेगा आपको, जो एंगल बिटवीन टू लाइन्स वाले क्वेश्चन हैं वो सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं. तो अपना देख करके लगभग 15 क्वेश्चन अराउंड होंगे. एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करके शेयर कर देना कल तक. नोट्स में शेयर करूंगा, मैंने सेव कर लिया, विल बी शेयरिंग द नोट्स. तो ठीक है आप वेट करो, मतलब आप लोग वेट करो, मैं भी वेट कर रहा हूँ. अर्षद सर एक बार आ जाएंगे तो आई विल लीव. बाकी आपका ब्रेक है, अभी क्लास है ना अभी आप लोग की अर्षद सर के साथ. Once he will be there, I will leave. Okay, thank you everyone. Mute kar raha hu.